आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, हम आरजे सैफ हाजिर हो चुके हैं आपकी खिदमत में लेकर प्रोग्राम अंदाज अपना अपना। और इस शो में जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपके पसंदीदा नगमात आपकी खिदमत में पेश करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि जितने जल्दी हो सके और जितने कम वक्त को लेते हुए हो सके हम आपकी फरमाइशें आप तक पहुँचाएँ। तो अभी शो शुरू हुआ है और हमारे साथ एक लिसनर जुड़े हैं और हम कोशिश करते हैं पहुंचने की। जी, हमारे साथ एक लिसनर जुड़े हैं। हुजूर, आपका खैर मकदम है अंदाज अपना अपना की इस खूबसूरत महफिल में जो कि आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। जी जी, मैं सैयद सलाउद्दीन बात कर रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मैं दिल्ली का हूँ, से बोल रहा हूँ। जी, मेरी एक फरमाइश थी कि रफी साहब का वो अजीब नाटक संवाद है। सबसे पहले तो ये बताइए, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप पहली बार हमारे शो में, रेडियो उड़ान के शो में शामिल हुए हैं और आप इस वक्त शो के सबसे पहले लिसनर हैं, तो हम सबसे पहले तो आपका खैर मकदम करते हैं और हम बड़े ही ममनून हैं, शुक्रगुजार हैं, एहसान मंद हैं आपके कि आपने हमारे शो को, हमारे इस रेडियो को इस काबिल समझा और आपने आने की जहमत अता फरमाई, आपने जहमत फरमाई आने की। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी, महफिल फर्स्ट का एक गाना था, दर्दे दिल दर्दे जिगर। जी, वो बहुत अजीम नगमा है रफी साहब का, सारे गाने बहुत अच्छे हैं रफी साहब के। जी, और ये मोतियों में बहुत सारे जो मोती होते हैं तो उन्हें चुनना मुश्किल हो जाता है। बेशक मेरे लोगों के इस गाने की ख्वाहिश जाहिर हुई कि भाई ये दर्द दिल दर्द जिगर अगर आप सुनवा दें तो आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर। जी बिल्कुल हुजूर, हम आपकी आपके हुक्म की तामील करेंगे और ये गीत, ये नक्श फिल्म कर्ज से हम पेश करते हैं आपकी खिदमत में। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया सैयद सलाउद्दीन साहब। इससे पहले कि हम आपसे विदा चाहें या हम आपको विदा करें, हम ये जानना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं, क्या शौक है आपके? जी, मैं बेसिकली सिंगर हूँ, आपको ही गाता हूँ और मैंने आपके रेडियो का काफी जिक्र सुना था लोगों से, तो मैंने सोचा कि भाई मैं भी आपके साथ जुड़ूं और आपके प्रोग्राम की खूबसूरती को देखने का मौका मिले, मुझे सुनने का मौका मिले। जी, तो मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि भाई आपके रेडियो से मुझे जुड़ने का मौका मिल रहा है और माध्यम भी रफी साहब ही बन रहा है उसके। जी, तो ये मेरी ख्वाहिश है कि आप ये गाना सुनवाएं तो इंशाल्लाह फिर जिंदगी में और बहुत सारे मौके मिलेंगे आपके साथ जुड़ने के और सुनने के। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद सलाउद्दीन साहब, आप तशरीफ फरमा हुए हमारे शो में। हम पेश करते हैं आपका पसंदीदा ये गीत। बहुत शुक्रिया। दर्दे दिल दर्दे जिगर,
दिल में जगाया आपने दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने पहले तो मैं शायर था पहले तो मैं शायर था आशिक बनाया आपने दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने आपकी मदहोश नजरें कर रही हैं शायरी आपकी मदहोश नजरें कर रही हैं शायरी ये गजल मेरी नहीं ये गजल है आपकी मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने कब कहां सब को गई जितनी भी थी परछाइयां उठ गई यारों की महफिल हो गई तन्हाइयां कब कहां सब को गई जितनी भी थी परछाइयां उठ गई यारों की महफिल हो गई तन्हाइयां क्या किया शायद कोई पर्दा गिराया आपने दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे आपको ढूंढूंगा कैसे रास्ते खो जाएंगे
नाम तक भी तो नहीं अपना बताया आपने। दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था आशिक बनाया आपने। दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। ऐसा संगीत जो कर देगा आपको बदहोश। क्या कहूँ दुनिया ने किया मुझसे कैसा बैर। ऐसा संगीत जो कर दे आपको थिरकने पर मजबूर। दिल टूटा मेरे यार को मनाने वो प्यार फिर जगाने। संगीत जो भर दे आपके रोम रोम में मोहब्बत। मेरी आवाज है पहचान है घर याद रहे। ये सब आपको मिलेगा उड़ान आइडल में। उड़ान आइडल अ म्यूजिकल टैलेंट हंट शो फॉर ऑल द पर्संस विद डिसेबिलिटीज। कीप लिसनिंग उड़ान आइडल every saturday 9 PM onwards and rewebcast every sunday 4 PM onwards only on radio da flight of life। aap sun rahe hain andaaz apna apna rj sense ke sath। sunte rahiye radio udaan a flight of life। जी हाँ दोस्तों, तो आप सुन रहे हैं इस वक्त अंदाज अपना अपना और आपके साथ हम हैं आरजे सैफ। और अभी अभी हमारे दोस्त हमारे साथ के सिंगर हम और ये स्टेज पर दिल्ली स्टेज पर एक साथ परफॉर्म किया करते थे। उस दौर की दोस्ती है हमारी जो आज यहाँ तक पहुंची। हम बड़े ममनून हैं शुक्रगुजार हैं इनके कि आज शो में तशरीफ लाए और उम्मीद करते हैं कि सैयद सलाउद्दीन साहब की फरमाइश पूरी होगी और उन्हें अपना सॉन्ग उनका पसंदीदा गीत उन्होंने सुन लिया होगा। हम आप तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी इस शो में आए अपनी स्काइप कॉल के थ्रू। हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान दैट इज RADIO UDAAN। या आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज भेज सकते हैं या हमारे स्काइप आईडी पर चैट कर सकते हैं। लाइव कॉल में आ सकते हैं। अपना गीत अपना पसंदीदा गीत आप हमें दे सकते हैं फरमाइश के तौर पर और हम उम्मीद करेंगे कि आप जरूर भेजेंगे और जल्द से जल्द भेजेंगे और हम आपके गीत को आप तक पहुंचाएंगे अपने स्टूडियो के थ्रू लाइव इस लाइव शो के थ्रू। दोस्तों हमारे यहाँ की एक बड़ी मशहूर सिंगर हुआ करती थी पुराने जमाने की अमीर बाई कर्नाटक की। उनके कुछ गीत बहुत मशहूर हुए थे अपने दौर में तो उनमें से एक गीत आज हम चाहेंगे कि हम आपकी खिदमत में पेश करें। सुनिए और एंजॉय कीजिए। बाल मुआ
बेवफा बेवफा तेरे बिन मेरा जिया लागे ना कहीं भी पिया हा लागे ना याद नहीं छोड़े तेरी दुनिया अंधेरी मेरी अब जाऊं कहां ओ दिल को लेकर काहे दर्दिया लौटे आ लौटे आ वो दिल को लेकर काहे दर्दिया लौटे आ वो जाने वाले बाल मुवा लौटे आ जमना तेरा बाल मुवा बेवफा बेवफा पनघट पे आना झूठ मूठ की प्रीत जताना मुझे याद है फिर और किसी से आंख मिलाना मुझसे आंख चुरा कर जाना मुझे याद है झूठों से काहे बोलूं जारी जा बेवफा बेवफा झूठों से काहे बोलूं जारी जा बेवफा बेवफा आओ जाने वाले बाल मुआ जा मना तेरा बाल मुवा बेवफा बेवफा दृष्टि दिव्यांग जन के सपनों को देता पंख मजबूत होकर वो बढ़ें आगे यही प्रयास करते हैं हम शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश समाज और परिवार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान 116 राजपुर रोड देहरादून बिल्डिंग ट्रस्ट कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमिज्म सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. Hello? Hello? Bittu? Ah? यार तू आया नहीं मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना मेरी ट्रेन निकल जाएगी कहाँ है तू हाँ यार बस आ गया पांच मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास हेलो हाँ यार बिट्टू पांच मिनट रह गए मेरी ट्रेन निकल जाएगी कहाँ है तू बस यार बाहर ही हूँ आ रहा हूँ तू बस वेट कर आ गया मैं अब नहीं आओ निकल गई ट्रेन 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 निकल गई ट्रेन काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती क्योंकि No cane, no gain. रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ
दोस्तों बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं हम आपके शो में एक बार फिर से, और हमारे साथ देखिए लिसनर्स का सिलसिला शुरू हो चुका है आने का। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे दोस्त राजीव भामरी, बैकबोन रेडियो उड़ान। राजीव भाई आपका स्वागत है अंदाज अपना अपना में। नमस्कार सैफ साहब और सभी सुनने वालों को, राजीव भामरी का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार साहब। उसने अभी गाना चलाया, बहुत ही मधुर गाना था और उसने जो है कई पुरानी यादें ताजा कर दी जी, तो बड़ा ही सुखद अनुभव था जी मेरा। चलिए कुछ चाहेंगे हम कि कुछ आप भी कुछ सुखद यादें हमारे साथ बांटें, क्योंकि जब भी आप आते हैं कोई ना कोई खूबसूरत इन्फॉर्मेशन, कामयाब इन्फॉर्मेशन हमारे लिए लेकर आते हैं। आज आप बताएं क्या बताना चाहेंगे जी। आज वैसे कुछ है नहीं, पर मैं एक वो सुबह के टाइम जो था, किसी ने मुझे ड्रॉप बॉक्स से एक इंग्लिश गानों का फोल्डर दिया था, तो वो बेसिकली बच्चों के लिए गाने थे, तो मैं सुन रहा था, जिस जिसका टाइटल पसंद आ रहा था सुन रहा था। तो एक गाना था मैंने चलाया और एक सेकंड में मैंने कहा ये तो हिंदी गाना इसका बना हुआ लग रहा है, तो म्यूजिक से तो वही लगा। फिर मैंने कहा हो सकता है चेंज हो या कुछ हो, लेकिन जब गाना वो शुरू हुआ तो मैंने कहा अरे बताओ इसको भी कॉपी कर रखा है, इंडिया में हिंदी में वो गाना बना है, फिल्म बातों बातों में का अमित कुमार और आशा भोसले ने गाया था, न बोल ले तुम न मैंने कुछ कहा। तो वो राजेश रोशन का म्यूजिक है वैसे तो, लेकिन ओरिजिनली में वो इंग्लिश गाना है व्हेन जॉनी कम्स मार्चिंग होम, तो उसका एकदम डिटो वही उठा के यहाँ रखा हुआ है। क्या बात है जी। तो आज बताएं कि आज हम आपकी खिदमत में क्या पेश करें जी। आज मैं एक 1958 की मूवी है चंदन, उसका एक गाना सुनना चाहूंगा। मैंने उसका विकिपीडिया वगैरह तो सर्च अभी करा नहीं है, लेकिन गाने की जो है रफी साहब ने गाया और जिस अंदाज में गाया गया है वो, तो मुझे तो लगता है कि 100% उस गाने में जो है जॉनी वॉकर पे ही फिल्माया गया होगा, क्योंकि वो जो है बिल्कुल उन्हीं के स्टाइल में लगता है जी। तो जी वो गाना है बड़ा ही CID है वो, नीली छतरी वाला। क्या बात है जी 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 जी। तो हम आपकी खिदमत में ये गीत पेश करते हैं। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई। धन्यवाद और आपको भी बेस्ट ऑफ लक आने वाले शो के लिए। थैंक यू सर। CID है वो नीली छतरी वाला, हर ताले की चाबी रखे हर चाबी का ताला। बड़ा ही CID है वो नीली छतरी वाला, हर ताले की चाबी रखे हर चाबी का ताला। बड़ा ही CID है उसकी बड़ी निराली, कभी नजर ना आने वाली। वर्दी उसकी बड़ी निराली, कभी नजर ना आने वाली। ना कोई बिल्ला ना कोई नंबर, दफ्तर उसका नीला अंबर। नोट है उसकी पॉकेट बुक में सबका माल मसाला। बड़ा ही CID है वो नीली छतरी वाला, हर ताले की चाबी रखे हर चाबी का ताला। बड़ा ही CID है। चुप चुप कोई डाका डाले या करे फोन, हो जाए उसको ऑटोमेटिक टेलीफोन। ऑटोमेटिक टेलीफोन हर 24 घंटे जाके उसकी आंख कभी ना लाके। होशियार खबरदार, बच के रहना देख रहा है सब कुछ ऊपर वाला। बड़ा ही CID है वो नीली छतरी वाला, हर ताले की चाबी रखे हर चाबी का ताला। बड़ा ही CID है। लंबा चौड़ा
का थाना, सबको एक दिन वही है जाना, लंबा चौड़ा उसका थाना, सबको एक दिन वही है जाना, क्या पिताजी और क्या माता, सासू ससुरा और भराता, उसकी नजर में सब है बराबर, क्या साली क्या साला, बड़ा सी आई डी है वो नील छतरी वाला, हर ताले की चाबी रखे हर चाबी का ताला, ला 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 रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं, इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैंड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन कंटेस्टेंट नंबर 4। तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। द टॉपिक ऑफ माय स्पीच इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग इन विच वी लिव। इट इज अ सोर्स ऑफ लाइफ। Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना, आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों एक बार फिर आपका खैर करते हैं, फिर से हम आपका खैर मकदम करते हैं। दोस्तों तकरीबन आधा प्रोग्राम जा चुका है, 8:30 बज चुके हैं और हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं। और कुछ यूं होता है कि जिस तरह से वक्त गुजरता चला जाता है आपकी शिद्दत आमद बढ़ती चली जाती है। अभी हमारे साथ एक और लिसनर जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हुए आरजे वरुण साहब। वरुण जी आपका खैर मकदम है अंदाज अपना अपना की खूबसूरत महफिल में। बहुत बहुत शुक्रिया सैफ सर, और बिल्कुल मैं आ गया हूँ आपके शो में, और जैसे हर बार आता ही हूँ, पूरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपके शो में आऊँ और साथ साथ अपना शो भी मैं प्रमोट करता हूँ आपके शो में, और अपनी फरमाइश भी रखता हूँ आप। तो बिल्कुल मेरा भी शो है रात को 10 बजे आज। सभी लिसनर्स लेट्स प्ले 2020 हमारे साथ खेलें और अपना रिचार्ज जीत सकते हैं और जीनियस भी बन सकते हैं। क्यों वरुण साहब, क्या हम भी आपके शो में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल सर, आप क्यों, बिल्कुल आप क्यों नहीं शामिल हो सकते। शुक्रिया जी। तो बताएं कि आज हम आपकी खिदमत में क्या पेश करें। सर एक मूवी है अंदाज, जो आई थी शायद 2003 या 4 की मूवी है ये, और इसमें एक गाना आया था, आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है। बहुत बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन है, मेरे को बहुत पसंद आया था जब ये गाना आया था, तो आज मेरा वो सुनने का मन है।
ये बताएं कि अगर आपको ये गीत और ये मूवी पसंद है तो कुछ कोई खास वजह है या कोई खास रीजन है, कुछ खास शख्सियत इसके साथ जुड़ी है, क्या है ऐसा कुछ खास जो आपको ये बहुत पसंद है? बचपन की यादें। बचपन की यादें, यानी आपका बचपन 2003 से शुरू होता है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जी नहीं, मतलब तब उस समय थोड़ा सा समझ आने लगा था, गाने वगैरह समझ आने लगे थे। यानी आप 2003 के आसपास बचपन से जवानी की तरफ बढ़ने लगे थे। बहुत अच्छे। जी जी बिल्कुल, ये बिल्कुल आप ये कह सकते हैं आप। तो बहुत अच्छा लगा था मुझे ये गाना जब ये आया था, और आज मुझे गाना ये याद आया तो मैंने कहा चलो ये गाना सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी खिदमत में, आपकी हम आपकी पसंद का, आपकी फरमाइश का एहतराम करते हुए आपकी खिदमत में आपका पसंदीदा यह गीत पेश करते हैं। फिल्म अंदाज से आइए सुने और एंजॉय करें। अंदाज अपना अपना में सुनिए गीत फिल्म अंदाज से। पीछे कहीं छोड़ दे
चलो आज सारी हदें तोड़ तुमसे प्यार हुआ है कि 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 तुमसे प्यार हुआ है ए आहा ओ हो दोस्तों हमारे साथ इस वक्त एक लिस्नर जुड़े हैं, देखते कौन है। जी हाँ, हम भुवनेश्वर से सैदा बोल रहे हैं जी से, और हम तो हमेशा रेगुलर अभी सुन रहे हैं अपना जी। आज हम सुनना चाहते हैं वो है जरा सफा सफा, लता मंगेशकर रफी जी का गाना, जय मुखर्जी सारे बनू की पिक्चर हम बहुत पहले देखे थे जी। बहुत ही शुक्रिया। और एक तो ये बात है कि आप हमारी रेगुलर लिसनर हैं, इस बात के लिए हम आपके बड़े ही एहसान मंद हैं और हम बड़े ही ममनून हैं आपके, आप हमारे साथ इसी तरह बनी रहें। हम आपकी खिदमत में ये खूबसूरत गीत जरूर पेश करते हैं। हम यही दुआएं आपके एहसान मंद हैं क्योंकि आपने हमको इतना अच्छा गीत सुनने का एक प्लेटफॉर्म दिया है, हम इसके लिए आपके बहुत एहसान होंगे। आप लोगों ने जिन लोगों ने सब मिलकर शुरू किया है पूरे रेडियो को, हमको हमारे दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जी। दूसरी बात ये भी है कि आप इस बड़े प्लेटफॉर्म से लिसनर्स के नाम कुछ कहना चाहेंगी। हाँ, हम कहना चाहेंगे कि बस हम इसको बहुत लोगों तक हम पहुँचाना चाहते हैं क्योंकि इससे जो हमें खुशी संगीत से जो गाने से जो हमको खुशी मिलती है और लोगों की जिंदगी में वो खुशियां बांटना चाहते हैं और हम बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बता दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम पेश करते हैं आपका पसंदीदा ये गीत आपकी आमद का, बेगम साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। Thank you.
नहीं बात यूं बनाए हैं कि ओ जताए हैं कि ओ ना बोल दूं तो क्या करूं वो हंस के यूं बुलाए है कि ओ सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों हमारे साथ फिर से एक लिसनर जुड़े हैं शायद उड़ीसा से। जी आपका खैर मकदम है अंदाज अपना अपना की इस महफिल में। अपने बारे में बताइए और बताइए कि आपको की रेडियो कैसा लग रहा है। जी हेलो। जी हाँ सर, हमें ये अंदाज अपना अपना बहुत पसंद आ रहा है और इसमें क्या हमारी फरमाइश के मुताबिक हमें सॉन्ग सुनने के लिए भी मिल रहा है। आप ये बताइए आप ये बताइए कि आप कौन हैं और कहाँ से बात कर रही हैं। जी सर हाँ, मैं मायसेल्फ तस्नीम और मैं ओडिशा भुवनेश्वर से बोल रही हूँ सर। जी आपका नाम? तस्नीम। जी तो बताएं कि ये शो जब से आप सुन रही हैं कैसा लग रहा है आपको? अभी रिसेंटली मैं 1 वीक से ही सुन रही हूँ लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये शो।
और उसके बाद में जो अभी जो जनरेशन है उसमें सब हमारे पुराने सॉन्ग भूले बिछड़े सॉन्ग मिसिंग हो गए, तो आप अभी हमारे पसंद के सुन सकते हैं, इसलिए बहुत बड़ी खुशी हो रही है सर। उसके बाद में जो नई एसोसिएशन चला रहे हैं वो सुन के भी बहुत अच्छा लग रहा है घर के जी, कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर ये। जी जी, थैंक यू वेरी मच मैम। तो बताइए कि हम आपकी खिदमत में आज क्या पेश करें। हमारा फरमाइश का गाना है ब्रह्मचारी का, मोहम्मद रफी सिंगर है और दिल की जड़ों के मैं तुझको बिठा के। क्या बात है साहब, शंकर जयकिशन साहब की एक कॉम्पोजिशन है और बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशन है, इसमें पियानो का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है, बिगिनिंग ही पियानो से होती है और ये बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशन है। तो हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। हम पेश करते हैं आपका पसंदीदा ये गीत। थैंक यू सर। झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर, रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर, रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर, रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊंगा। I'm
की धूप में साथी बने हैं। अभी तेरे सुर्ख होठों के प्याले मेरे तसव्वुर में साथी बने हैं। अभी तेरी जुल्फ के मस्त साए बिरह की धूप में साथी बने हैं। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास मत हो मेरी जाऊदास। तस्वीर तेरी सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा। मेरी मोहब्बत को ठुकरा दे चाहे मैं कोई तुझसे ना शिकवा करूंगा। आंखों में रहती है तस्वीर तेरी सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास मत हो मेरी जाऊदास। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास मत हो मेरी जाऊदास। Love. Song that I wrote. Breakup. Romance. Affair. Expose. Latest songs. ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਐਨਕਾਂ ਪਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਤੇਰੀ ਗੜੀ ਵਾੜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇ ਅਪਡੇਟਡ ਔਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਬਲਾਸਟ ਸਵਪਨਲ ਕੇ ਸਾਥ ਐਵਰੀ ਸੈਟਰਡੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਸੇ 8 ਓਨਲੀ ਔਨ ਰੇਡੀਓ ਉੜਾਨ ਅ ਫਲਾਈਟ ਆਫ ਲਾਈਫ। आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों हमारे साथ कई बार कई लिसनर्स जुड़े हैं और हमारे साथ एक लिसनर जुड़ रहे हैं शायद उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। हमारे साथ जुड़ना चाहते थे आकिब साहब कश्मीर से और वो एक गीत सुनना चाह रहे हैं फिल्म राज से आपके प्यार में हम संवरने लगे। ये गीत हम सुनते हैं और उनको ये डेडिकेट करते हैं। आइए सुने आकिब साहब की पसंद का ये गीत और शायद यही गीत हमारे इस शो का आखिरी गीत होगा। अगला शो आप सुनिएगा उसके लिए तैयार रहिए और हम मिलेंगे आपसे इस शो के बाद। तब तक गुड नाइट शिवरात्रि शब खैर। सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ।